गुड मॉर्निंग दोस्तों, स्वागत है आपका एक नए वीडियो में। और इस समय बज रहा है दोपहर का 2। मैं खड़ा हूँ अपने अपार्टमेंट में, ये कॉन्डो मैंने लिया हुआ है। आप देख सकते हो बहुत ही ब्यूटीफुल व्यू है यहाँ पे। ये है हिल्टन पटाया और सामने है बीच एरिया। तो अभी मैं तैयार हो गया हूँ, मैं जा रहा हूँ अपना पासपोर्ट लेने। मैं यहाँ पे आया था वीजा ऑन अराइवल पे इंडिया से, और उसके बाद मैंने सोचा कि मैं एक्सटेंशन ले लेता हूँ। तो एक्सटेंशन लेने के 2 तरीके हैं, या तो आप इमिग्रेशन में जाके लाइन में लग के यू कैन गेट एक्सटेंशन ऑफ 30 डेज। और उसमें क्या है कि आजकल बहुत भीड़ है, बहुत सारे लोग एक्सटेंशन ले रहे हैं, तो आपको घंटों लाइन में लगना पड़ सकता है और फॉर्म फिलअप करना पड़ता है। तो मैंने उसे अवॉइड करने के लिए आपको बहुत सारे वीडियो मिल जाएंगे कि आप कैसे लाइन में लग के इमिग्रेशन जाके अपना वीजा एक्सटेंड कर सकते हो। बट इस पर्टिकुलर वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि मैंने एक एजेंट फाइंड आउट किया और मैं उनके पास गया। कुछ भी नहीं देना पड़ता है, आपको अपना पासपोर्ट देना है और 2 फोटोग्राफ्स देने हैं। विद इन 2 डेज आपका वीजा आ जाता है। बेनिफिट ये है कि जब आप खुद जाते हो लगवाने के लिए, लाइन में लगते हो इमिग्रेशन में, तो आपको जो एक्सटेंशन मिलता है वो केवल 30 डेज का मिलता है और आपको 1900 बाद की फीस लगती है। फिर आपको अगला अगर दोबारा एक्सटेंशन कराना, देन अगेन यू नीड टू पे 1900 बात। तो अगर आप देखोगे तो आपको 3800 या 4000 बात ऑलरेडी देने पड़ रहे हैं। अगर आप इमिग्रेशन में जाके लाइन में लग के काम कराते हैं तो उसमें अगेन आपको, जैसे मैंने बताया कि आपको 4000 बात के आसपास फीस लग जाती है, और उसके बाद फिर आपने घंटों लाइन में भी लगना पड़ता है। तो इसीलिए मैंने अपना समय बचाने के लिए एजेंट को हायर किया। और जब मैं उनके पास गया, जस्ट पासपोर्ट देना है, 2 फोटो देनी थी, और उन्होंने मुझसे 6000 थाई बात चार्ज किया है। बट द बेनिफिट इज कि उसमें मुझे एक बार में पूरे 60 डेज का एक्सटेंशन मिल गया, तो मुझे 30 दिन का 2 बार एक्सटेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। पर मोस्टली तो इस बेनिफिट का अगर आप देखोगे तो 4000 में ऑलरेडी आपको देना पड़ेगा अगर आप लाइन में लग के करा रहे हो फॉर 60 डेज एक्सटेंशन। तो इसमें यह है कि मुझे 6000 देना पड़ा और मेरा 60 डेज का एक्सटेंशन हो गया। और कहीं भी नहीं जाना है, आपने उन्हें डॉक्यूमेंट अपना पासपोर्ट और 2 फोटो देनी है, उसके बाद आप आराम से घर पे बैठ के चिल करो। विद इन 2 डेज आपका वीज़ा लग जाता है और वो आपको कॉल कर देंगे, आपने बस जाके वीज़ा कलेक्ट करना है। तो अभी मैं बस हम लोग वहीं निकल रहे हैं। अभी मैं आ गया हूँ अपने जो मेरा कॉन्डो है, आप पीछे देख सकते हो इसका ये जो गेट है, ये बैक गेट है जो कि सीधे जो पटाया बीच है उधर से ओपन करता है। और इसकी की है, ये है इसकी की। इसे ओपन करने के लिए आपने ऐसे ऐसे टच करना पड़ेगा और देन आप कहेंगे और ओपन हो जाएगा। तो यहाँ से जो प्लान है, यहाँ से हम लेंगे बात बस जो कि कुछ 10 बात लेती है, और ये हमें पहुँचाएगी वॉकिंग स्ट्रीट के सिग्नल पे। उधर से हमें एक दूसरी बात बस लेनी पड़ेगी जो कि हमें जोमेटियन ले पाएंगे, क्योंकि ये जो ऑफिस है वो जोमेटियन पे है। तो चलिए चलते हैं, मैं आपको पूरा दिखा दूँ। तो ये भैया हमारी बात जो बस आई है इधर से, इसने हमें जॉम्पटन बीच पर उतार दिया। ये बीच है और ये अंदर रोड गई है जिसमें जो इमिग्रेशन जो एजेंट है उनका ऑफिस यहाँ पे है, जो वीज़ा एजेंट है। तो इधर से पैदल जाता हूँ मैं, और ये पास में 7-Eleven है। जगह अच्छी है, सारा कुछ आसपास, समुंदर पास। क्या बोलते भाई, समुंदर पास में होने से ना आधी से ज़्यादा ब्यूटी तो ऐसे ही हो जाती है उस जगह की, मतलब मज़ा आता है। हाँ, मतलब जैसे कि अगर नॉर्मल तुम कार्ड मतलब सुबह वॉक कर रहे हैं ना, और जैसे अपने गांव में करते हैं या कस्बे में,
इवन पार्क में भी करो तो थोड़ी देर में बोर हो जाते हैं, जैसे 1 किलोमीटर 2 किलोमीटर। आप इधर कहें कि बीच के किनारे किनारे तुम 4-5 किलोमीटर भी चले गए, यू नॉट गेटिंग बोर्ड, तो वो अच्छी चीज़ है। मैं तो 7 दिन रहा समुंदर किनारे, मज़ा आया, पर मैं एक बार भी नहा नहीं गया। मैं सोच रहा नहाऊंगा एक बार, अभी तो 3 दिन और हैं। सैटरडे संडे में देख सकते हैं हम लोग। हाँ नहाएंगे। अभी तो आपने अपने अपने वो कॉन्डो में आपके स्विमिंग पूल में नहीं नहाया आपने अभी? हाँ उसमें यार करते हैं, वो काम के चक्कर में ना। तो बहुत मज़ा आएगा उसमें। ये ऑलमोस्ट पहुंच गए हैं पैदल चल के। इस समय तो थाईलैंड में बिल्कुल सन्नाटा पड़ा हुआ है, और ये जब अपने पीक टाइम पे रहता होगा तो बहुत भीड़ रहती होगी। सारा देखिए, इट्स लुक लाइक गोस्ट टाउन। गेस्ट हाउस वाली सारे खाली हैं। ये आप चीज देख सकते हो, पीले कलर का जो छोटा सा बोर्ड है, यही इनका ऑफिस है। रोड पे नाव कैसे चल रहा है? कहाँ पे? अच्छा वो नाव इधर से लेके यार। तो ये ऑफिस है, मैं डिस्क्रिप्शन में आपको इनका एड्रेस नाम डाल देता हूँ। चलिए अंदर चलते हैं। तो भैया ये है मैसिव थाई को डॉट लिमिटेड का ऑफिस। मुझे मिल गया मेरा वीज़ा, और आप यहाँ के पता कर सकते हैं। हर तरीके का डिफरेंट डिफरेंट टाइप का वीज़ा है, उस हिसाब से आप रेट भी इनके साथ डिस्कस कर सकते हैं। अभिषेक बैठे हुए भैया बैठे हुए हैं, ये यहाँ के ऑनर हैं, और बेस्ट सर्विस है। टू डेज़ के अंदर वीज़ा मिल गया है। तो जो भी प्राइसिंग है वो ऑब्वियसली जब आप आओगे वॉक इन करके या फ़ोन पे भी इनसे चेक कर सकते हो। तो भैया थैंक यू सो मच। तो भैया अभी एक्सटेंशन हो गया 60 डेज़ का, और अब हम लोग जा रहे हैं लौट के बुद्धू घर को जाएँ, थोड़ा घूमेंगे इधर जोमेटन बीच पे। जोमेटन वो क्या हमें करेक्ट कर रहा था? जोमटियन। हाँ जोमटियन बीच पे थोड़ा सा टहलेंगे वॉक करके, और उसके बाद जाएंगे घर पे। फाइनली मैं घर वापस आ गया हूँ, ये है अपना अपार्टमेंट। और मैं अब आपको अपना पासपोर्ट दिखाऊंगा कि जिसमें वीज़ा का एक्सटेंशन हो गया है। तो ये आप देख सकते हो, मेरा 8 जनवरी तक का था वीज़ा ऑन अराइवल, नाउ इट हैज़ एक्सटेंडेड फॉर 60 डेट, और ये 9 मार्च तक का हो गया है। तो अगर आप में से किसी भाई को ये रिक्वायरमेंट है तो मैं उनका नंबर डिस्क्रिप्शन में डालता हूँ। ऐसा नहीं कि मैं कोई प्रमोशन कर रहा हूँ, मुझे जानता भी नहीं हूँ। मुझे भी उनके बारे में जो पता लगा, आई हैव सीन वन वीडियो, एक UK का बंदा था उसने वीडियो डाला, तो उसके थ्रू मैंने देखा, और सच में बहुत ही अच्छी सर्विस है। विद इन 2 डेज आई गॉट माई वीज़ा, और प्राइस भी ठीक है। प्राइस ऑब्वियसली आप उनसे बात करके निगोशिएट कर सकते हो, और बट सर्विस इज़ वेरी गुड। तो थैंक यू सो मच। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे प्लीज़ यू नो सपोर्ट, बिकॉज अगेन इट्स माई न्यूज़ चैनल एंड आई हैव स्टार्टेड रिसेंटली। सो इफ़ यू रियली लाइक द डिटेल्स, प्लीज़ गिव अ थम्स अप एंड सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू सो मच गाइस।